तो अभी कलेक्ट करने जा रहे हैं हमारे शूज़, फिर उसके बाद बाइक पार्किंग में, जहाँ पे हमारे बैग्स भी हमने सबमिट किए हैं। चले क्या खाते है क्या तुम्हें? ना है ना जूस, अरे गन्ने का जूस भाई। भाई चिवड़ा भाई, चिवड़ा क्या कहते हो? मैं तुम्हें क्या कहते बाजी कुटाई थे तो अभी निकल रहे हैं हम शिरडी के लिए। अभी मैं बैठा हूँ फेलन सीट पे और बाइक चला रहा है उमेश। हाथ कर रहा हूँ तो उमेश को बाइक चलाने का मूड हुआ है, तो अभी आवाज़ थोड़ी कम आएगी इसलिए कैमरा थोड़ा नज़दीक पकड़ के बात कर रहा हूँ। हम निकल रहे हैं शिरडी की तरफ, जो है अराउंड 120 किलोमीटर यहाँ से, अढ़ाई से पौने तीन घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रोड्स। तो चलिए पहुँचते हैं शिरडी और फिर आगे की क्या हूँ मैं, तो पहुँचते शिरडी और आगे का प्लान आगे देखते हैं कैसे करना है। दर्शन तो आज ही करेंगे साईं बाबा जी के और फिर कल से जाएंगे शनि सिंगनापुर सुबह जल्दी उठ के। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। झोप आली आहे तर दुकान सगळे राईट साईडला येतात, लेफ्ट साईडला दुकानच नाही येतात। काय थांबवायचं पुढे जाऊन? अरे मैदी पण ठोकतोय कधी शिजायला, मला झोप आहे ते डोले हे होत आहे। सगळे दुकान राईट साईडलाच येते। नाशिक सिटी मेरे लेफ्ट मिरर को थोड़ा इश्यू हो गया, उसका नट ख़राब हो गया है तो बार बार हिल रहा है अपनी जगह से, तो वही फिक्स कर रहे हैं। और जिक्सर का भी मिरर का ही इशू है, वो भी फिक्स कर रहे हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। वही थे पार्टी ले पकड़ चालू है देखे सर मिरर का करने का का नक्शा लगता है आगे पीटर आगे नहीं अरे टाइट कर कल सुना क्या टाइट करने का बोल ना। अरे वो तो पेंटिंग वाले भाई। अच्छा पेंटिंग पेंटिंग है, चलो बुढ़े कहाँ पे बाजू? अरे मेरे भाई आज तुम्हारी संग क्या बोल ले? अरे क्या बोल ले? मुंबई 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 कहाँ निकले? साई बाबा उसके बाद मिले ना तो कार कर। तो मिरर का इशू अभी भी फिक्स नहीं हुआ है,
सूखा काम है इसलिए हर कोई मना कर रहा है, आगे जाओ बोल रहा है, तो आगे निकल जाते हैं। अगर कहीं से मिला हमें एक्स्ट्रा नट तो हम खुद ही कर लेंगे, वरना फिर ऐसे ही राइड कंप्लीट करेंगे, है ना। चल रहा भाई, अपना लेफ्ट मिरर जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सा जुगाड़ करके जिप टाई लगा दिया है फॉर टाइम बीइंग, फिर शिरडी जाके देखते हैं कोई मैकेनिक पकड़ के काम भारी कर देते, है ना। चलिए फाइनली बच चुके हैं 6:30 एंड वी हैव रीच्ड शिरडी। तो पहले रूम देखेंगे, एकोमोडेशन देखेंगे और उसके बाद तुरंत ही जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली रूम पे आई गेस। तो पहले रूम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे तो ज़्यादा कुछ कॉस्टली या ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ फैंसी नहीं देखेंगे, क्योंकि सुबह हम निकल जाएंगे जल्दी शनि सिंगनापुर के लिए, तो नॉर्मल सा ही रूम देखेंगे, बस आज रात का स्टे है। तो चलो रूम भी ढूंढते हैं, है ना। तो पहुँच गए हैं शिरडी, रूम देख रहे हैं, यहाँ पे आए होटल डायमंड में। मैं कुछ साल पहले मेरे फ्रेंड अमृत के साथ आया था जब मैं डब्ल्यूएनएस में जॉब करता था, तो इसी होटल में रुका था, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे, यही सामने वाला। तो एक बार देख रहे थे इन्हीं के रूम कैसे हैं। चलना लौकर भाई, चल चलो दर्शन करके आते शिरडी के साईं बाबा जी के। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ आर ट्रिप टू शिरडी के साईं बाबा। तो कल हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए त्र्यंबकेश्वर में भी और शिरडी में भी साईं बाबा जी के। तो आज हम जा रहे हैं ग्रेटर घर पे, आज जब भी जा रहे हैं शनि सिंगनापुर जो है अराउंड 72 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और फिर वहाँ से जाएंगे घर पे विच इज़ अराउंड 270 किलोमीटर्स, लेकिन टाइम दिखा रहा है 6 to 7 आवर्स। तो चलो अभी तो फिलहाल तो थोड़ा सा नाश्ता करेंगे लाइट लाइट और फिर निकलेंगे यहाँ से। बज चुके हैं 7:30, हो सकता है हमें 8:30 बज जाए निकलते निकलते। तो चलिए देखते हैं आगे की राइड कैसे जाती है ना। चलो तो हो गई हमारी सारी पैकिंग, अभी सामान बैग बाइक पे लगाएंगे और फिर यही कहीं पे नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे शनि सिंगनापुर के लिए विच इज़ अराउंड 72 किलोमीटर्स। चलो अभी का प्लान तो ये है, फिलहाल तो हम नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं डायरेक्टली बाइक पे, है ना। काफ़ी ठंडी है बाहर, चलिए जल्दी से बैग माउंट कर लेते अपने बाइक पे और निकलने की तैयारी कर लेते जब तक बाकी के लोग भी आ जाएंगे ऊपर से।
तो हो गया हमारा नाश्ता करके साई उड़ीपी स्नैक्स में, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया साउथ इंडियन ऑफ कोर्स। तो अभी निकल रहा है शनि सिंगनापुर के लिए, 70 और किलोमीटर है यहाँ से। मैप सेट करना भूल गया, ओह पहले निकलते हैं यहाँ से गणपति अप्पा मोरिया, ओम साई राम। गर्म होने लग गया था खड़े रह रह के, गर्मी होना शुरू हो गई थी 5 मिनट खड़े रहने पे। अभी अच्छा लग रहा है, अभी बेहतर लग रहा है, और अच्छा लगेगा जब बाइक ओपन रोड पे होगी, है ना। चलिए, तो एक बात अच्छी है कि हम जाएंगे फिर से साईं बाबा जी के मंदिर के यहाँ से, तो एक बार कलश के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर के दर्शन हो जाएंगे जाते जाते। गर्दी है बाबू, मैं गर्दी डाले बाहर लाइन है। तो वो रहा मंदिर, होप आपको एक ग्लांस मिला होगा। वैसे हमने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने वाले हैं वहाँ के कुछ पिक्स, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिएगा, और यूट्यूब पे भी। चलिए, तो ये रहा शनि सिंगनापुर का बोर्ड, 70 किलोमीटर्स है यहाँ से, मैप में दिखा रहा है 72 1 आवर 24 मिनट्स। बज चुके हैं 8:30, पहुँचने का टाइम दिखा रहा है अराउंड 10 AM। चलिए जल्दी जल्दी। तो हम बस पहुँच ही चुके हैं, 22 किलोमीटर रह गए शनि सिंगनापुर पहुँचने के लिए। एस्टिमेटेड टाइम रीचिंग टाइम बता रहा है 10:15 और अभी बज चुके हैं 10:15, यानी हाफ एन आवर का टाइम दिखा रहा है अभी भी। तो पहुँच जाएंगे, ज़्यादा कुछ जल्दी या घाई नहीं कर रहे हैं, और ऐसे सीनिक व्यू का मज़ा लेते जा रहे हैं बहुत देर से, और इसी बात का मज़ा आ रहा है, और इसी बात का मज़ा आता है राइड पे जब ऐसे व्यूज़ देखने मिलते हैं, ऐसे सराउंडिंग्स में बाइक चलाने का मौका मिलता है। गाइस, हम पहुंच गए हैं शनि सिंगनापुर, अब देखते हैं बाइक पार्किंग, दर्शन करके आते हैं फटाफट और निकल जाते हैं घर के लिए। एज ऑलवेज आई थिंक मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होगा, फ़ोन अलाउड या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ, एक गए, बाकी सगळे ठेवायला भेटेल आपल्याला, एक घेऊया ना। चलो गाइस, अपना बैग वैग यहीं पे रख देते शॉप पे, बाइक लगा के दर्शन करके आते हैं फटाफट। चलो, तो हो गए हमारे दर्शन शनि सिंगनापुर के मंदिर में। अभी निकल रहे घर की तरफ, हम जा रहे हैं रिटर्न वाया पुणे चाकन। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जो हम जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से वापस जाने के लिए, लेकिन थोड़ा अलग रूट है, और शाम को हो सकता है हमें ठाणे एक्सेट्रा के आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे रोड का काम चले और ट्रक का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। एंड फिर अगर पुणे वाया रोड गए तो हम नवी मुंबई से जाएंगे, जहाँ से उमेश को हम घर पे ड्रॉप कर पाएंगे, तो वो भी एक बात हो जाएगी उसके लिए अच्छी। तो बस अभी निकल रहे, आगे जाके रुक जाएंगे कहीं पे शुगरकेन जूस, गन्ने का जूस पीने के लिए, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, बैठेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए, है ना।
दिखा रहा है 6 hours 20 minutes 297 kilometers फ्रॉम हियर। चलो छोटा सा ब्रेक लिया है, गन्ने का जूस पियेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि सुबह से उठ के कुछ किए डायरेक्टली दर्शन के लिए निकल गए थे। उतना ट्रैवल किया और दर्शन किया और वहाँ पे भी कुछ खाया सिर्फ, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, है ना। मज़ा आ रहा है राइड पे, मज़ा आ रहा है। तो हो गया गन्ने का जूस पी के, बहुत ही बढ़िया था, रिफ्रेशिंग था। तो अभी जा रहे हैं आगे, ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि आगे फिर से हमें खाना खाने के लिए रुकना है, तो वहाँ पे और टाइम पास होगा, इसीलिए यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे वैसे बैठे हम 15-20 मिनट चिल किए और अभी निकल रहे आगे का आगे। तो यहाँ से अपना घर रह गया है 280 kilometers, 6 hours 20 minutes दिखा रहा है, 6:30 का टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन वो बढ़ जाएगा आधे एक घंटे से, क्योंकि खाना खाने के लिए रुक जाएंगे तो उसमें ऑलमोस्ट एक घंटा हमारा चले जाएगा, नो डाउट। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं, राइड का मज़ा लेते हैं, है ना। चले तो गाइस, हमने चाकन क्रॉस कर लिया है और अब हम रुक रहे हैं खाना खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट है जो हम जहाँ पे हम पहले भी गए थे, मेरे फ्रेंड के गांव जाना था तभी हम रुके थे। खाना बहुत ही गजब मिलता है वहाँ पे, इसलिए हम रुक रहे हैं। ये रहा जय मल्लार होटल, तो अभी यहाँ पे रुकेंगे, खाना खाएंगे एंड फिर जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ से हमारा घर है अराउंड 120 kilometers, बच जाएंगे मेरे को लग रहा है 8:30-9, क्योंकि और टाइम पास करके ही जाने वाले है ना। 40 A few moments later. तो हो गया हमारा खाना खा के, बहुत मज़ा आया, बस नींद ना आए अभी जाते जाते। 101 इज नेरुल नवी मुंबई, जहाँ पे उमेश उतरेगा, 101 kilometers फ्रॉम हियर। तो देखते हैं कितना समय लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए अभी, है ना। बस वेलकम बैक गाइस, हम पहुँच गए हैं नेरुल नई मुंबई, आज जर्नी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे रहता है उमेश जो मेरे साथ एज अ पिलियन राइड कर रहा था इस राइड पे, तो हम उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और हमारे घर की तरफ निकल जाएंगे। तो शायद हम ब्लॉग यहीं पर एंड कर देंगे क्योंकि आगे कुछ खास है नहीं दिखाने को। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस राइड। हाँ, ये ब्लॉग में को ठीक से कुछ मैं इस ब्लॉग में कुछ अलग से या ठीक से कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि हम जैसे आपको पता होगा कि मैं बहुत समय बाद यानी 1.5 साल बाद ब्लॉगिंग फिर से कर रहा हूँ, तो बहुत सारी छोटी मोटी गलतियाँ हुई रिगार्डिंग द कैमरा स्टफ, ऑडियो इक्विपमेंट एक्सेट्रा, एंड फिर थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हुई, तो व्लॉग मुझे ठीक से शूट नहीं करने मिला, बातें ठीक से करनी नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, अगली बार अगली राइड पे हम बहुत ही अच्छी तरह इसे करने को ट्राई करेंगे और आगे के व्लॉग भी थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप यू विल कोऑपरेट विद अस लाइक वी हैव ऑलवेज डन। तो आई होप आपको एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। Yes, yes.